अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो, अनदर न्यू रेसिपी। इफ़ यू लाइक माय रेसिपी, काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़े का, ईजी एंड क्विक टू मेक, विदाउट ओवन, विदाउट बीटर, विदाउट एग, बहुत ही आसान और यमी सा मार्बल केक। जो इसको बनाने के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और आए मिलकर बनाते हैं केक। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप ऑफ योगर्ट। योगर्ट को हम बाउल में डाल लेंगे जिसमें हम केक बनाएंगे। उसमें मैंने ली है 1 कप ऑफ शुगर। शुगर मैंने पाउडर शुगर यूज़ किया, पाउडर शुगर ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि फिर वो मुँह में आती अच्छी नहीं लगती। शुगर को डालकर अच्छे से इसको हैंड बीटर से बीट कर लेंगे। जैसे आपको मैंने पहले बताया, इसके ना किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर, किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन की ज़रूरत ही नहीं है। हैंड बीटर जो कि सबके पास ही होता है, इसलिए आसानी से जल्दी से बन जाता है और इतना क्विक टू मेक है, इतना यमी बनता है, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर मैंने डाला है 3/4 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं अपने घर में वो डालेंगे और इस बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये तीनों चीज़ें आपस में मिल ना जाएं। तो आपको फिर दिखाते हैं हम क्या करते हैं। तो आगे मैंने यहाँ पर ली है 2 कप्स ऑफ मैदा। उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून ऑफ मीठा सोडा, जो कि बेकिंग सोडा भी होता है। और अब इस सारे बैटर इस सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। और तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये अच्छी सी एक लुक और अच्छी सी एक गाढ़ी सी थिक सी एक बैटर की फॉर्म में ना बन जाए। इसलिए मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप्स। तो ये देखें जी, हमारा बैटर बहुत ही अच्छा सा तैयार है। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क, मिल्क जो के सबके पास ही होता है घर में मिल्क डालेंगे और मिल्क डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। इसलिए अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। यहाँ पर जी बैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और फिर इसके अंदर जो चीज़ें डालेंगे वो आपके साथ शेयर करते हैं। देखें जी, बैटर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब एक बैटर के अंदर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, 1 टेबल स्पून ऑफ कोका पाउडर, और ये डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके इसी बैटर के अंदर हमने नेक्स्ट चीज़ें डालनी है। दूसरे बैटर को हमने नहीं छेड़ना, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने डाले हैं 2 टीस्पून ऑफ वाइट विनीगर। अब इस सारे बैटर को दोबारा मिक्स करेंगे और फिर इसमें आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या डालूँगी जिससे कि केक बहुत ही अच्छा और यमी सा बनेगा। यहाँ पर मैंने डाला है रेड कलर, लिक्विड रेड कलर था मेरे पास, वो मैंने डाला है। इससे केक का बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही अच्छी लुक आएगी। इसको अच्छे से डालकर मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। कोका पाउडर भी डालेंगे और रेड कलर भी डालेंगे, दोनों से बहुत ही अच्छा और खूबसूरत और अच्छा सा जायका बनता है। केक का बैटर तो हमारा तैयार है, तब तक हम अपने सांचे को ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से ऑयल लगाकर, और ऊपर लगाएंगे बटर पेपर। ये देखें जी, मोल्ड हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम केक को
डालेंगे। और केक जो सारी इसकी टेक्निक्स हैं वो अब यहाँ से हैं, जिस तरह मतलब जितना अच्छा बैटर होगा और जितना अच्छा आप इसको मोल्ड में डालेंगे ये केक उतना ही अच्छा बनेगा। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो ये बिल्कुल सही नहीं बनेगा, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको अच्छे से स्टेप्स बिल्कुल समझ में आ जाएं। इसलिए मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को देखते रहिए, मैं अब आपको इसको डालना बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से डाला। तो यहाँ पर जी देखें, जैसे कि पहले मैंने वाइट पार्ट डाला है, फिर मैंने रेड पार्ट डाला है, इसी तरह एक स्पून हम डालेंगे वाइट बैटर का, एक स्पून डालेंगे रेड बैटर का, और इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एहतियात से डाल दें क्योंकि यही सारी इसकी टेक्निक है। जितना अच्छा आप इस तरीके को इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे उतना ही अच्छा आपका केक बनेगा। और देखें कि मेरा जो बैटर है वो इतना थिक होना चाहिए, इतनी उसकी कंसिस्टेंसी है कि वो खुद ब खुद फैल नहीं रहा, और इतना ही आपका होना चाहिए। तो देखिए मेरा केक कितना अच्छा सा डल रहा है मोल्ड के अंदर। केक का बैटर बिल्कुल हमारा डल चुका है और कितना खूबसूरत लग रहा है, और ऊपर से हमने इसको एक वो करने के लिए थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, टूथपिक से आप मिक्स कर लें। अब हम इसको जैसे कि हम पहले भी पतीले में ही बेक करते हैं और आपको भी सिखाएंगे पतीले में कैसे बेक कर सकते हैं, तो ये बहुत ही आसान है और ईजी एंड क्विक टू मेक है। इसको अब हम पतीले में रखेंगे और पतीले में बेक तकरीबन हम इसको करेंगे 40 से 45 मिनट्स। तो ये देखें जी केक हमारा इस कदर अच्छा सा बेक हो चुका है और इतना यमी लग रहा है, और यकीन मानिए खाने में भी बहुत यमी था। आप इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें कितना ज़बरदस्त और इतना सॉफ्ट था, इतना यमी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।